सबस्क्राइब करें। जय भारत, मी रोशनी, जागृती न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूया सामाजिक घडामोडी। जब से पूरे देश भर में बीजेपी का गवर्नमेंट आया, सामाजिक असुरक्षता निर्माण हुई है। अभी हम तिस्ता शेटेलवार मैडम जी के साथ है, वो जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उनसे आप बात करेंगे अभी कि मैडम 14 तारीख को जो हमला हुआ है, हमारे जवान 40 जवान शहीद हुए है, तो उनके संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखो, कोई भी भारतवासी ये हमले को लेकर खुश नहीं है, सब शोक मना रहे हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर के अंदर इसके खिलाफ सभाएं हुई हैं। भारतवासी ये आतंकवाद के खिलाफ है, चाहे कोई भी मज़हब और धर्म से हो, कोई भी जात से हो। मगर जो ताकतें ये मौका को लेकर राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रही, जैसे हेमंत करकरे की डेथ के साथ हुई थी, तब मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, मगर कविता करकरे जी ने वो पैसा को नकारा था। उनको लगा था कि अपने पति को खोने के बाद उनको राजनीतिक उसका कुछ फ़ायदा किसी को देना नहीं था। तो हमको इस बार सोचना चाहिए, जो 42 जो जवान हमारे गए हैं, मुझे लगता है उनके हर परिवार के लोगों को अच्छी से अच्छी सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, उनको मतलब सराहने पे रखना चाहिए। कौन सा तबका जवान बन के जाता है? वो लोअर मिडिल क्लास या गरीब तबका होता है, खेत मजदूर का तबका होता है, कोई ऊपरी? तो हमें उनकी तरफ देखना चाहिए और वो जो सवाल कर रहे हैं उनके कंडीशंस के बारे में, उनके सर्विस के बारे में, वो देश को सुनना चाहिए। पूरे देश भर में जो अभी सामाजिक सुरक्षा निर्माण हुई है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं देखिए, मैं कह रही हूँ कि गए 5 साल में ये सरकार ने जो मतलब एक सरकार जो जिसका एक पंथ तो राज कर रहा है, जो संविधान में भी नहीं मानता, उन्होंने हर तबके के खिलाफ एक जंग झड़ के लिया है। आप देखें तो UGC ने कम से कम 25,000 युवकों की स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी, बेरोजगारी बढ़ गई है, लोन्स बैंक में बढ़ गए हैं करोड़पतियों के। सिर्फ ये सरकार लगता है कि एक छोटे से तबके, जो पैसे वाले तबके के लिए ही सरकार कर रही है, आम आदमी, जनता, मध्यम वर्गी के लिए नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि 2019 के चुनाव में लोकशाही को बचाने के लिए ये ताकत को हराई जाए। अभी आप महिला है, तो पूरे देश भर के महिलाओं को क्या संदेश देंगे? नहीं, हम यही देंगे कि आप निडर होके आगे बढ़िए और लोगों को ये बात समझाइए कि लोकशाही को भी बचाना है और संविधान को भी बचाना है। ठीक है, लास्ट जो देश भर के पूरे युवक है, अभी युवक तो अभी कांग्रेस में ज़्यादा है, बीजेपी में है, तो युवकों को क्या संदेश देंगे आप? नहीं देखो, युवकों के ऊपर तो ये देश आधारित होगा, और अगर हम नौजवानों के लिए सही ढंग से नौकरियां वगैरह की नीतियां नहीं बनाएंगे तो बहुत बेचैनी पैदा होगी। अभी आज भी देखो कि महाराष्ट्र में दुष्काल चल रहा है, मराठवाड़े में दुष्काल की वजह से लोग पढ़ाई छोड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक दिक्कत समस्या है, मगर सरकार इसके बारे में ना बोल रही ना कुछ कर रही, सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रही। तो इसलिए युवकों के लिए पॉलिसी बने, कंस्ट्रक्टिव एम्प्लॉयमेंट बने, हमारा प्रोडक्शन सिर्फ सर्विसेज सेक्टर नहीं बने मगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन भी बने, इस तरह की कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर बने हमारा प्रोडक्शन का, ये सब चीज़ों के सोचने की ज़रूरत है।